गोरखपुर के राजघाट थाने पर तैनात सिपाही अभिषेक कुमार सिंह की 2 मंजिला बैरक की छत से गिरकर मौत हो गई। साथ ही पुलिस कर्मियों ने सिपाही को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि मृतक सिपाही की पहचान अभिषेक सिंह पुत्र अखिलेश्वर सिंह निवासी बसडीहा बलिया के रूप में हुई है, जो कि गोरखपुर में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वह 2021 बैच के कांस्टेबल थे। वर्तमान में उनकी तैनाती राजघाट थाने के बसंतपुर चौकी पर थी। यहां पर वह पिछले 10 महीने से तैनात थे। हमेशा की तरह सोमवार की रात भी अभिषेक थाने की बैरक के द्वितीय तल पर सोए थे। मंगलवार की भोर में उनका शरीर असंतुलित हो गया और द्वितीय तल से नीचे गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। अभिषेक की अभी शादी नहीं हुई थी। अभिषेक की मौत की खबर उनके परिवार के लोगों को दे दी गई है। पुलिस परिवारजनों के गोरखपुर पहुंचने का इंतजार कर रही है। अभिषेक के पिता किसान हैं। गांव पर अभिषेक का एक भाई और एक बहन पिता के साथ रहती हैं। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, पूरा ले लिया। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना राजघाट परिसर में बैक साइड में अभिषेक सिंह नामक आरक्षी, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं और 21 बैच के आरक्षी हैं, वो यहाँ पर गिरे पड़े हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया,
जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। परिजनों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। जो मौके के साक्ष्य हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है और साथ ही साथ पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है, जिसके आधार पर आगे की जाँच हुई की जाएगी। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो यहाँ खाना बनाता है हमारा फॉलोअर, उसने देखा कि अपने खिड़की से पीछे की तरफ में जो हमारे कांस्टेबल है अभिषेक सिंह, ये गिरे पड़े थे। और ये सूचना उन्होंने फिर अन्य अधिकारियों को यहाँ दी है। उन्होंने मौके पर जाके उसे उठाया है, दिखाया है, अस्पताल ले गए हैं जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया है। अभिषेक रात को ड्यूटी पे थे, करीब 3:30 बजे ड्यूटी से रात्रि गश्त से वापस आए हैं और उसके बाद फ्रेश हुए हैं और सोने गए हैं। अब करीब 4:30 के आसपास से और 6 के बीच मध्य ये घटना है, जिसके विषय में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि छत पे से ये गिरना प्रतीत हो रहा है। अब हम इस पूरी चीज़ों को छानबीन हम लोग और कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो ऊपर गया, बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परंतु अभी एक दुखद घटना हुई है और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी है, परिजनों को खबर कर रहे हैं, बाकी पुलिस अपने स्तर से इसकी छानबीन कर रही है।